बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए मेरठ के हस्तिनापुर से पूर्व विधायक योगेश वर्मा और उनकी पत्नी मौजूदा मेरठ महापौर सुनीता वर्मा ने आज बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती को अपनी ताकत दिखाई है। वहीं संविधान दिवस के कार्यक्रम पर पूर्व विधायक योगेश वर्मा ने अपने समर्थन में कई पार्षदों के द्वारा पार्टी छोड़ उनका समर्थन देने की बात मीडिया के सामने रखी है। माननीय श्री विजय यादव जी, उन्होंने मुरादाबाद से हैं और मैं ये भी बता दूं कि मुरादाबाद से डैमेज कंट्रोल के लिए वहां के कोऑर्डिनेटर जो सांसद हैं वहां नगीना के, उनको मेरठ में लगाया गया। 3 दिन से वो यहाँ पे हैं और जब उनको मुरादाबाद से यहाँ लगाया गया तो मैंने सोचा कि मुरादाबाद से ही जो शुरुआत हुई है, जो माननीय विधायक जी ने जो मुझे समर्थन किया है उनकी नीतियों के खिलाफ होकर, तो आज मैं आपको बता दूं कि इनका विधानसभा है ठाकुर द्वारा विधानसभा से, ये पूर्व विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी में है अभी और आज इन्होंने छोड़ी है बहुजन समाज पार्टी हमारे मुरादाबाद से। मुरादनगर से हमारे जो हैं निजाम भाई हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी है और पूरे समर्थनों के साथ उनके साथ 4-5 पार्षद हैं जो बसपा के थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। उनकी लिस्ट हमने पहले दे दी थी और वो आ भी गया है। महाराष्ट्र में भी एक परेड हुई है, आज आपने भी परेड कराई पार्षदों की, कितने पार्षद आपके साथ जा रहे हैं? मैं आपको ये बता दूं आज ये परेड नहीं है, ये समर्थन है, ये दुख में साथ है, ये दुख में इतने लोग साथ हैं कि जो बात करते हैं कि वहाँ BSP के वहाँ वो भी वहाँ पे भी जो हैं वहाँ भी बहुत सारे पार्षद ऐसे हैं जो नगर निगम में, हेलो, जो नगर निगम में मेयर के साथ हैं, 5-6 पार्षद हैं जो वहाँ हैं, लेकिन जो और पार्षद भी हैं वो भी वहाँ जरूर अपनी गिनती गिना रहे हैं लेकिन मेयर के साथ खड़े हैं। वो दुख क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि बिना बात हमें पार्टी से निकाल दिया गया, मेयर साहब को निकाल दिया गया, कारण नहीं बताया, एक तकिया कलाम कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हम इनको क्या नाम है पार्टी से निष्कासित करते हैं। आप जितने लोगों को पार्टी से निकाला गया है उनकी विज्ञप्ति बना लो, वे बस सिर्फ नाम भरते हैं, बाकी तकिया कलाम वही है। तो इसके अंदर जो पार्टी से निकाला गया है, जो यहाँ पर लोगों ने बसपा छोड़ी है वो आपके समर्थन में छोड़ी है या बसपा की नीतियों के खिलाफ पार्टी छोड़ी है? ये बसपा की नीतियों के खिलाफ, कोऑर्डिनेटरों की गुमराह करने के नीतियों के खिलाफ जो है बसपा छोड़ी है और हमारे समर्थन में। कितने पार्षद बसपा के? जो पार्षद है, एक मेहताब भाई खड़े हैं, आप वार्ड नंबर 75 कयूम भाई, वार्ड नंबर 83 आज मोहम्मद जी, 84 वार्ड नंबर, वार्ड नंबर 12 अमित राव जी, 16 पार्षद। चलिए, सबने बसपा छोड़ दी, पार्षदों ने भी बसपा छोड़ दी और जिस तरह से विजय जी ने कहा कि एक अभियान चलेगा बसपा छोड़ो भी, अब अपनाने का अभियान कब चलेगा, कहाँ जाएंगे बसपा? सुनो, कहाँ जाएंगे? मैं आज आपको बता दूं, आज संविधान दिवस है, बाबा साहब ने आज के दिन जो है 26 नवंबर को 2019 को संविधान जो है तैयार कर दिया था और तैयार करके सौंप दिया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मैंने इस मौके पर सब लोगों को अपनी बात बताई है, फिर दोबारा एक बार हम तमाम लोगों को, आज कुछ लोग आए हैं, एक बहुत बड़ा जन सैलाब चारों तरफ से आएगा क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे समर्थक जो सर्व समाज में हैं, दलित मुसलमानों के साथ साथ अभी और सर्व समाज में जैसे हमारे विजय यादव जी हैं और भी हैं, तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक बार राजनीति की दिशा और दशा पे मंथन होगा, उसके बाद जैसे समाज कहेगा, जैसे हमारे कार्यकर्ता कहेंगे, समर्थन सारे समर्थक कहेंगे, उसके बाद पार्टी का निर्णय लेंगे। किसी राजनीतिक दल के साथ जाएंगे या खुद का दल बनाएंगे? देखिए, मैं तो ये कहूंगा, अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी राजनीतिक दल या अपना दल जो भी, पहली बात तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन के अभी काम करूँगा समाज के लिए जी जान से, क्योंकि वहाँ नज़रबंद थे, वहाँ किसी आंदोलन में नहीं जा सकते, किसी के मरने में नहीं जा सकते, जीने में नहीं जा सकते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के अंदर जो मंदिर टूटा था उसमें मैं बहुत सारे साथियों के साथ दिल्ली कूच कर गया था,
वहाँ उस समर्थन उस आंदोलन में मैं शामिल होने जा रहा था, मुझे बॉर्डर पे ही कोऑर्डिनेटरों का फोन आता है, कहा कि तुम्हें किसने कहा है आंदोलन में तुम बसपा में हो, बसपा की नीतियों के हिसाब से चलोगे नहीं तो तुम्हें आज ही पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वहां जाने से रोका गया। यहाँ जो 2 अप्रैल के मामले में जो पूरी ताकत हमने जो सुबह के समय हम जो शहर में निकले उसके बाद में बहन जी ने कहा कोई किसी आंदोलन में, यानी कोऑर्डिनेटरों ने भी ये कहा कोई किसी आंदोलन में नहीं जाएगा, क्योंकि आंदोलन में जाने वाले ने वो प्रसाद चख लिया योगेश वर्मा ने, वो 2 अप्रैल के मामले में ऐसे सही ये हो गया। देखिए मैं तो ये कहूंगा उनको गुमराह कर रखा है, लेकिन आज कोऑर्डिनेटरों ने तमाम लोगों ने हमें आजाद कर दिया है। अब हम गरीब लोगों के साथ, तमाम लोगों के साथ, सर्व समाज के गरीब जनता के साथ, दलित मुसलमानों और तमाम हर समाज में दलित है, क्योंकि जो गरीब होता है वो दलित होता है, और दलित वो होता है जो दला गया हो, जो पीसा गया हो, जिस पे अत्याचार और जुल्म हुआ हो, हम उनके साथ खड़े हैं। और मेयर साहब सुनीता वर्मा जो है, क्योंकि जनता ने इन्हें बनाया है, सर्व समाज के लोगों ने इन्हें बनाया है, अब ये गली मोहल्लों में जा जाकर लोगों की समस्याओं को जैसे पहले सुनते आए हैं उससे भी ज्यादा मजबूती से मेयर साहब जो है अब जनता में रह के काम करेंगी। और ये धनराज सिंह जाटव विधानसभा सचिव बीएसपी शिवाल खास से आज जो है ये बद्रुद्दीन नगर नानू ये भी आज जो है पार्टी छोड़ रहे हैं ना, दो पूरा हाथ उठा के बता दो, ये योगेश वर्मा के समर्थन में आए हैं, ये महासचिव हैं। बहुत सारे सेक्टर के पदाधिकारियों ने, बहुत सारे सेक्टर के महासचिवों ने, जिले के पदाधिकारियों ने और विधानसभा के पदाधिकारियों ने आज पार्टी को से इस्तीफा दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर की गलत नीतियों के हिसाब से जो इन्होंने गलत काम कर रहे हैं, ये अपनी जेब भरने का काम कर रहे हैं। कौन है ये कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर तो एक एक जिले में कई कई लगा रखे हैं। आपको मैं बता दूं, जब यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए थे तभी ये षड्यंत्र की चाल शुरू हो गई थी, कि मुझे पता था कि अब फिर दोबारा से कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई होगी। मैं तमाम लोगों का, मीडिया का, तमाम बंधुओं का